हाजिर खिदमत है जो की भी वसेब दी आवाज रजवान कलंदरी के सामने मौजूद हैं। इधर अदालत समझो आमना पैगी इन्होंने सामने गुफ्तगू करना भी एक मुश्किल सलीम काम होंगे, लेकिन फनकार लोग हैं ना जी, फनकार को तनकीद भी करनी चाहिए, तनकीद सामने भी चाहिए। अगस्त का महीना बड़ी खुशैन गल है कि यही महीने साड़ी 14 अगस्त के हवाले यानी पाकिस्तान की एक तारीख गवाह रहा पूरी दुनिया से कि इन्हें दिहाड़े 14 अगस्त को सारी यादगार है पाकिस्तान से 14 अगस्त मनाया जाता, बल्कि पूरी दुनिया से मनाया जाता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाता है। 14 अगस्त मनाओ, खुशी का दिहाड़ा है, खुशियां मनाते हैं, लेकिन इन तरीके ना ना मनाओ कि बाहर जो सारी अजकल यंगस्टर जी सारी नस्ल है सलंसर कट के वन व्हीलिंग शाम को सट्टा लगी होंगे और वालदेन का बड़ा दिल लुकता है जी वे को बाल फटल फटल सी घर आके पी आ। अगस्त 14 अगस्त जश्न आज़ादी यानी पाकिस्तान की मनाओ, इन तरीके ना ना मनाओ जिंदी वजह तो भी तकलीफ थी वे तो वालदेन को भी तकलीफ थी। 14 अगस्त मनाओ मैं तो नहीं इनकार किया, लेकिन ये ये भी देखो कि मुहर्रम उल हराम ये भी सिर देते इमाम हुसैन की कुरबानी 72 तन कुरबान कर दिते, दीन इस्लाम 5 तन घराने ने कैसी कुरबानी दी कि हुसैन ऐसा कारी है कि हुसैन ऐसा कारी है कि नेजे पर भी कुरान जारी है। इन्होंने दीन की क्या खिदमत की, कैसे दीन बचाया, नाने का दीन कैसे बचाया। एहतराम करें मुहर्रम उल हराम का, मजालिस हैं ये नज़र न्याजों का सिलसिला है, इनको जारी और सारी रखें। अगस्त इस दफ़ा थोड़ा सा धीमे लहजे मना लें, सोग ज़्यादा मना लें क्योंकि ये सोग के दिन है। यकम मुहर्रम उल हराम शुरू हो गया है तो इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम बच्चों से, वालदैन से, मुल्क वालों से, शहर वालों से, पूरी दुनिया में इस चीज़ का पैगाम दें कि 14 अगस्त भी मनाएँ, हमें एतराज़ नहीं है क्योंकि आज़ादी का दिन है, लेकिन खुशी ना मनाएं कि मुहर्रम उल हराम है, इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। जिसलिए हमें दीन की तनकीद की गई कि दीन के तरफ जाएं, लोगों को बताएं कि दीन के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे दीन बचाया गया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात, इसको ज़रा ज़्यादा तरजीह दीजिए। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, ये आपका छोटा सा फनकार, आपका अपना ही रमज़ान शहज़ाद, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।